एक्सक्यूज मी भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ किसी की चीखने की आवाज़ आ रही थी क्या? सर मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई और मेरे अलावा तो यहाँ पर और कोई है भी नहीं। सर मेरी वाइफ कह रही थी कि किसी लड़की की चीखने की आवाज़ आ रही है, मैंने कहा जाके देख लेता हूँ। एनीवेज थैंक यू। थैंक यू। अब्बा को पता चल गया तो खाल खींच देंगे। मैंने तुम्हारे अब्बा को अच्छी तरह समझा दिया कि तुम उरूज के साथ हैदराबाद जा रही हो शादी में 2 दिन के लिए। कौन उरूज? तुम्हारी दोस्त। अच्छा हाँ सॉरी। अच्छा अब्बा मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, खाम खा पेट्रोल का खर्चा होगा। वो इसकी दोस्त ने गाड़ी भेजी है ना। ओह नसीम बेगम आखिरकार अकल आई गई तुम्हें, है बचत का ख्याल आ गया। चलो बेटा मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। सुनो बेटा अपनी दोस्त से कहना कि तुम्हें वापस वही घर छोड़े, पेट्रोल बचेगा। जी जी बिल्कुल। हेलो कौन? सालार साहब अब क्यों फोन कर रहे हो? रात को तो कह रहे थे मैं बार बार फोन करके तंग करूंगी। अच्छा ना बोलो, नहीं वो अभी तक नहीं आई। हाँ बाबा जैसे ही आती है मैं तुम्हें फोन करती हूँ। खुदा हाफिज। Into the attack early. I just wonder where they will be fretting right now. तो दरवाजा खुल के सीधा अंदर आ जाता, ये कोई और है। ऐसे कर लड़की कमरे में छोड़ते हैं, इसने हमारी शक्ल नहीं देखी, सामने कूद के जाने का रास्ता निकलते हैं। चलाना इसको।